हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना रिडक्शन फार्मूला ही सॉल्व करेंगे। जो रिडक्शन फार्मूला मैं आपको बताऊंगा वो ये है, एस्टैब्लिश द रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स। यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे आया होगा, प्रूव दैट दिस वन और हेंस इवैल्यूएट साइन स्क्वायर कॉस फोर एक्स। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि आपको रिडक्शन फार्मूला किसका करना है, साइन एम एक्स और कॉस एन एक्स का। ये सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। तो ये दो टाइप के रिडक्शन फार्मूले, एक में क्या होगा अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस एन है तो इधर एन माइनस वन है, मगर जो इसके बाद में आपको दूसरा कराऊंगा उसमें साइन में होगा एन माइनस वन या एम माइनस वन, और उसमें इधर माइनस साइन भी होगा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंपल आ गया एस्टैब्लिश करो तो आप कोई भी फार्मूला कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे प्रूफ आ गया तो अब इस प्रूफ में क्या है कि कॉस एन को कॉस एन माइनस वन की फॉर्म में लिखना है। ये ट्रिक है इसको याद रखने की। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, तो हियर साइन एम कॉस एन, इसको मैंने आई एम एन मान लिया। एम किसके लिए? साइन की पावर एम एक्स है उसके लिए, और एन किसके लिए? कॉस की पावर एन एक्स है उसके लिए। अब क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि कॉस एन माइनस वन है, तो आपको ऐसे याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में कॉस को ही ब्रेक करना है, तो कॉस को ब्रेक करूंगा, कॉस एन माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। उसके बाद कॉस एन माइनस वन को सेपरेट कर लो, तो कॉस एन माइनस वन एक्स को मैंने एक तरफ कर दिया और बाकी मैंने एक तरफ लिख दिया, साइन एम एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब उसके बाद इधर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, तो जब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिख देना आपको वो आप लगाओगे तो जो आपका आई एम एन है बेसिकली वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट को एज इट इज इंटीग्रेशन दूसरे की, तो साइन की पावर एम एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस टाइम फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, तो कितनी आ जाएगी एन माइनस वन कॉस, एक पावर में कम कर दिया एन माइनस टू, कॉस की क्या होती है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर क्या करना है इसकी कर दी डिफरेंशिएशन, ये मैंने डिफरेंशिएट लिख दी। अब ये जो इंटीग्रल है वो पूरा डिट्टो उधर लिख देना, ये जो आंसर है वो पूरा उधर लिख देना, ऐसे सिखाया आप सबको। अगर आप ध्यान से देखो मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये फंक्शन है और साथ में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन के साथ में जब एग्जैक्ट डेरिवेटिव आता है मतलब साइन एक्स की डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स आएगा, तो पावर में एक इंक्रीज होता है, तो मैंने सीधे लिख रहा हूँ साइन की पावर में एक इंक्रीज एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, और ये जो भी बना इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो आज फर्स्ट टाइम लेक्चर देखे तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखे उसमें सब बताया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद आई एम एन इसको लिख दूंगा कॉस एन माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन। अब ये फंक्शन, अब देखो ये फंक्शन साथ में एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा साइन एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, तो होल में चल जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एम प्लस वन और एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एन माइनस वन और एम प्लस वन कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्या किया, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, ये इधर एक्स भी आएगा कॉस एन माइनस टू एक्स। ठीक है, अब ये साइन और ये साइन इसकी पावर थी वन, तो वन उसमें ऐड हो गया, तो कितना आ गया साइन एम प्लस टू एक्स डी एक्स। तो यार आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। देन आई एम एन आपके पास क्या निकल रहा है, कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, इधर कितना आ गया एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉस एन माइनस टू एक्स,
अगर आपको ये याद नहीं रह रहा जो स्टेप मैं करूंगा अभी, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप पहले ये देख लीजिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में क्या है, साइन एम कॉस एन माइनस टू, साइन एम कॉस एन माइनस टू, तो कॉस एन माइनस टू तो आ गया, साइन एम लाना है, तो ऐसे करके याद कर लीजिए। तो साइन एम एक्स और बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो इसको ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, इधर आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कि ये कितना आ जाएगा, कॉस एन माइनस टू एक्स साइन एम एक्स, सॉरी ये दोनों चाहिए आपको, प्रूफ में ये नहीं चाहिए तो इसको मैं उड़ा दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनता है, तो ये आ गया कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, इधर आ गया एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। अब देखो ध्यान से मैं क्या स्टेप कर रहा हूं, ये पूरी टर्म ली, इसको वन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, कॉस एन माइनस टू एक्स साइन एम एक्स, ठीक है, और साथ में लगा डी एक्स, और बाहर से ये टर्म भी आ गई तो एक टर्म ये बन गई। फिर ये पूरी टर्म ली, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस है ना, तो साथ में क्या आएगा माइनस, मगर बाहर से कौन आया एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन, ये तो दोनों में जाएगा ना, ये जो बार बाई टर्म है पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो पहले मैंने ये वन से मल्टीप्लाई किया वो ये लिखा, वो बार बाई टर्म लिख दी, फिर ये टर्म मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई किया और बार बाई टर्म लिख दी। जैसे आप सेकंड से टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कॉस साइन एम तो बेचारा वैसे ही रहेगा साइन की पावर एम एक्स, मगर बेसिस आर सेम पावर आर एडिड, तो ये कितना आ जाएगा कॉस एन एक्स। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपका फर्दर आई एम एन किसके बराबर आ रहा है, कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, इधर कितना आ रहा है एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन, इधर कितना आ रहा है साइन एम एक्स, अरेंज कर दिया कॉस एन माइनस टू एक्स डी एक्स, और लास्ट में कितना आ रहा है माइनस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन, और इधर कितना आ गया साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है ये आ गया। अब अगर आप और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू थी ये इंटीग्रल था, ये तो आई एम एन ही था, एम फॉर साइन एन फॉर कॉस, तो बेसिकली मैंने क्या किया ये आई एम एन इधर भी है और ये भी क्या आपका आई एम एन, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया आई एम एन, ये क्वेश्चन में यही दिया ये आई एम एन इस साइड आ गया, तो दोनों का आई एम एन मैंने क्या ले लिया कॉमन, इधर आई एम एन की जगह रहा वन और उधर ये माइनस था, जब ये इस साइड आएगा तो ये बन गया प्लस, प्लस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन, और इधर क्या बचा कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, और इधर क्या आ गया प्लस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। अब ध्यान से देखो ये साइन एम है तो आपको पता है आई की जगह एम लिख सकता हूं, और जो कॉस एन माइनस टू है, अब एन माइनस टू है तो मैंने साथ में क्या लिखा एम कॉमा एन माइनस टू, ठीक है, तो ये आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर दोबारा एक मिनट वीडियो पीछे के लिए दोबारा सुनिए, ठीक है, मैं बड़ी आहिस्ता बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बड़ी आहिस्ता बताने की। तो एलसीएम लिया एम प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया एम प्लस वन प्लस एन माइनस वन, एम प्लस वन प्लस एन माइनस वन, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वन वन ऊपर से क्या हो जाएंगे कैंसिल, और इधर कितना आ जाएगा कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, और इधर कितना आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन आई एम कॉमा एन माइनस टू। अब और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई एम एन मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एम प्लस एन अपॉन एम प्लस वन,
और इधर सबसे m प्लस वन बाहर निकाल दे क्योंकि m प्लस वन तो कांस्टेंट है, पीछे की तरह रहा साइन m प्लस वन एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एम कॉमा एन माइनस टू। अब ये m प्लस वन और ये m प्लस वन हो गया कैंसिल, तो स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आई एम एन इज इक्वल टू ये जो m प्लस एन है वो इसके नीचे भी डिवाइड में आएगा और इसके नीचे भी डिवाइड में आएगा, तो कितना आ गया साइन m प्लस वन कॉस एन माइनस वन होल में कौन आया m प्लस एन और आगे फर्दर एन माइनस वन अपॉन एम प्लस एन और इधर कितना आया आई एम कॉमा एन माइनस टू। एम कॉमा एन माइनस टू का मीनिंग क्या है साइन की पावर एम है और कॉस की पावर एन माइनस टू है। तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया जो उसमें पहला पार्ट पूछा था कि ये प्रूफ करो, आप देख सकते हो हमने वो पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया। ये देखो इधर हमारा भी ऐसे आ रहा है, बस मैंने इधर इधर इसकी जगह क्या लिखा हुआ है मैंने आई एम कॉमा एन माइनस टू, तो मतलब यही है साइन की पावर में एम और कॉस की पावर में एन माइनस टू, तो पहला पार्ट पूरा प्रूफ हो गया। तो ऐसे करना है इसको प्रूफ। अब इसके बाद क्या पूछा हुआ है साइन स्केयर और कॉस फोर निकालो, साइन स्केयर एक्स निकालो और कॉस फोर एक्स निकालो, इनका प्रोडक्ट निकालो। पहले रिडक्शन फार्मूला कर दिया, जब भी एग्जाम में आएगा मेरी बात याद रखना पहले आपको रिडक्शन फार्मूला ही प्रूफ करेगा फिर उसके बाद हैंस करके पक्का पूछा होगा। तो अब आपने क्या करना है इसमें अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसका मतलब क्या है साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, तो आपको चाहिए साइन, हमें चाहिए साइन स्केयर और कॉस फोर, तो इस उस चक्कर में मैंने एम को क्या डाल दिया साइन स्केयर चाहिए तो एम को क्या डाल दिया टू और एन को क्या डाल दिया फोर। जैसे मैंने ये सॉल्व किया तो ये बन गया आपका आई टू फोर, ठीक है इसको आप वो भी लिख सकते हो साइन स्केयर और कॉस फोर, और इधर क्या आ जाएगा साइन की पावर में एक इंक्रीमेंट कर देनी है तो साइन थ्री, कॉस की पावर में एक कम कर देना है तो कॉस इधर डाला फोर, फोर माइनस वन कितना आया थ्री और एम प्लस एन कर देना है तो ये कितना आया सिक्स, टू प्लस फोर कितना आया सिक्स प्लस एन माइनस वन तो एन माइनस वन कर दिया फोर माइनस वन एम प्लस एन टू प्लस फोर और इधर क्या आएगा इंटीग्रेशन, पहला क्या आएगा एम किसके लिए है साइन के लिए तो मैंने लिखा साइन, ठीक है पावर में कौन है एम ही है और एम हमारे पास कौन है टू तो मैंने लिखा टू, ठीक है फिर दूसरा आएगा कॉस पावर में एन माइनस टू, एन कितना है फोर, फोर माइनस टू कितना होता है टू, तो ऐसे करेंगे सॉल्व। अब और सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस फोर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ रहा है वन बाय सिक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये कितना आ रहा है थ्री बाय सिक्स, ठीक है और इधर कितना आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स का मैं इसको होल स्केल लिख सकता हूं। अब तो सिंप्लीफाई हो गया ये बस इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास की इंटीग्रेशन है छोटी सी, तो इसको आप लिख सकते हो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स ये हो गया वन बाय टू। अब बेसिकली इसको मैंने काट दिया ये आ गया वन बाय टू, आई होप आप समझ गए होंगे थ्री वन जा और थ्री टू जब आ गया वन बाई टू। अब इस इधर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या किया टू एक अंदर भेज दिया तो वो आ गया टू साइन एक्स कॉस एक्स, अगर मैंने टू अंदर भेजा तो बेसिकली ये टू नहीं है ये फोर है क्योंकि टू के ऊपर स्केल लग गया तो मैंने फोर से मल्टीप्लाई किया और फोर से क्या कर दिया डिवाइड, अब चेक कर लो टू बाहर आएगा फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों किया ताकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लग जाए और कोई रीजन नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आपको ये स्टेप्स पता होंगे। ये आ गया 1 बाई 8 टू साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 बाई 6 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 बाई 8 इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 2x, आप लोग सर बिल्कुल लिख सकते हैं और हमें पता है कि साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती उसको कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स वन बाई एट डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगी तो वन माइनस कॉस टू एक्स इसका डबल करोगे तो फोर एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाई सिक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स वन बाई एट ये टू बाहर आ गया तो वन बाई एट की जगह क्या बन जाएगा वन बाई सिक्सटीन
ठीक है, और अंदर इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन कितनी होती है एक्स, और कॉस की कितनी होती है साइन, और नीचे एंगल आ जाएगा फोर। और सिंपलीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 1/6 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स एक्स बाई 16 माइनस ये कितना आता है 64, 16 × 4 कितना आता है 64, साइन 4x बाई 64। तो ये आपका आंसर है जो आपको रिडक्शन के बाद पूछा हुआ है। और आंसर क्या पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x, ये पूछा हुआ। एक बार आंसर मैं भी मिला दूंगा ठीक है बुक के ऊपर, तो आपका आंसर आ रहा है 1/6 साइन क्यूब कॉस क्यूब 64, हाँ कॉमन ले लिया, हाँ बुक में क्या किया इसके बाद 1/64 कॉमन ले लिया, तो इधर 4x माइनस साइन 4x आया। तो आपको जरूरी नहीं है लेने के, आप ऊपर तक भी छोड़ सकते हो। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में और जो काफी इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करवाया ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप के, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन है एस्टैब्लिश रिडक्शन फॉर्मूला फॉर, तो ये आ गया साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, सेम चीज है बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। पिछले क्वेश्चन में कॉस को तोड़ा था, अब किसको तोड़ेंगे, साइन को, साइन एम माइनस वन एक्स कॉस क्या आ जाएगा एन प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस एन, और इधर आ जाएगा एम माइनस वन अपॉन एम प्लस एन, और होल में क्या आ जाएगा साइन एम माइनस टू एक्स और कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। तो ये अब दूसरा रिडक्शन फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले के लिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्यों, पहले तरीके में हमने किसको तोड़ा था कॉस एन माइनस वन किया था, मगर अब उसने बोला क्या हम साइन तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल हम साइन से भी कर सकते हैं ठीक है। तो अब इसको भी करेंगे, ये भी बुक में है। तो सबसे पहले आपके पास इधर आई एम एन कितना आ गया इस केस में, साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स ये आ गया। अब कॉस को नहीं तोड़ना है साइन को तोड़ना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन एम माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स ठीक। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन की पावर एम माइनस वन एक्स इधर कॉस एन एक्स साइन एक्स डी एक्स ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो इसको फर्स्ट मानो, इसको क्या मानो सेकंड मानो, तो फर्स्ट कितना आ गया साइन एम माइनस वन एक्स को एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी करनी है कॉस एन सॉरी कॉस एन एक्स साइन एक्स की, माइनस इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, तो साइन एम माइनस वन की डिफरेंशिएशन कितनी होगी एम माइनस वन, साइन की पावर में कम कर दिया एम माइनस टू, साइन की डिफरेंशिएशन कितनी होती है कॉस एक्स, और फिर जो ये फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन आगे लिखनी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ली थी। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या करूंगा, ये कॉस है साथ में उसका डेरिवेटिव, मगर नहीं है एग्जैक्ट डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि कॉस के साथ में साइन है, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो बेसिकली ऐसा बनना चाहिए कॉस के साथ में माइनस साइन, तो माइनस साइन बनाने के लिए एक माइनस बार लगाना पड़ेगा, तो मैंने बार लगा दिया, पहले इसकी इंटीग्रेशन करो माइनस एक बार अंदर, अब ये कॉस है अंदर माइनस साइन है, तो कॉस की पावर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो मैंने क्या लिखा कॉस की पावर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, और वही पावर कहाँ लिखनी है नीचे लिखनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि रूल है कि अगर फंक्शन है उसके साथ उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो पावर में एक स्टेप बढ़ा दो, अब कॉस का एग्जैक्ट डेरिवेटिव माइनस साइन है तो माइनस बाहर और अंदर, तो बेसिकली माइनस भी आएगा, तो इसलिए मैंने इधर माइनस भी लिखा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब ये भी जो भी बन गया, अब इस पूरे क्या करनी है इंटीग्रेशन, तो ये रूल इस पूरे क्या कर देनी है इंटीग्रेशन। अब फिर दोबारा ये आ गया साइन एम माइनस वन एक्स, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया जैसे मैंने अभी बताया आपको शॉर्टकट, और इधर माइनस भी अंदर भेज दिया, ऐसा क्यों किया ताकि मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दूं ये वाला ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ ठीक है। मैंने आपको बता दिया अभी करके इधर ही कैसे बना है, तो कॉस साथ में एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो कॉस की पावर में एक बढ़ा दो एन प्लस वन एक्स
अपॉन एन प्लस वन, माइनस जो आया वो इधर आया इसकी इंटीग्रेशन की वजह से। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से, एम माइनस वन और एन प्लस वन, ये माइनस बाहर रखा, एम माइनस वन और एन प्लस वन ये मैंने बाहर निकाल दिया कॉन्स्टेंट। फिर ये कॉस है और ये भी कॉस है, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, कॉस और कॉस बेसिस आर सेम, पावर आर एडिड, तो ये कॉस है वन है पावर और वो एन प्लस वन है तो बन गई एन प्लस टू। और जो साइन है एम माइनस टू वो एज इट इज ही रहा, ठीक, तो ऐसे आ गया। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। फिर इसके बाद क्या किया, माइनस को बाहर ही रखा, तो साइन एम माइनस वन कॉस एन प्लस वन एक्स एक्स लगा देना कि गलती से मेरे से शूट भी जाए, आपने खुद लगा देना। और ये वैल्यू किसकी आ रही है, आई एम एन की आ रही है। अब क्या करेंगे, m माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, सपोज अब आपको स्टेप भूल जाए कि मैं किसको तोड़ूं किसको जोड़ूं, तो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, cos n चाहिए और sin m माइनस टू चाहिए, तो sin m माइनस टू चाहिए, तो sin को तो मैं एज इट इज रखूंगा। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा फिर आप किसी एक को तोड़ दो, ठीक है। और ऐसे याद रखना, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना, अगर ऊपर आपने साइन को तोड़ा है तो इधर भी किसको तोड़ना है, सॉरी अगर ऊपर साइन को तोड़ा है, जैसे आपने अभी साइन को तोड़ा हुआ है तो इधर किसको तोड़ना है, कॉस को, और अगर आपने ऊपर कॉस को तोड़ा है तो इधर किसको तोड़ना है, साइन को। ऐसे भी याद रख सकते हो, बड़े तरीके हैं, आप जैसे खुद समझ लो वैसे कर लो। तो साइन एम माइनस टू को एज इट इज, तो ये आया कॉस एन एक्स और साथ में किया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एम एन इज इक्वल टू माइनस साइन एम माइनस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अब फिर वही बात, क्या बात, ठीक है, ये साइन एम माइनस टू एक्स को वैसे रखा, कॉस एन एक्स को वैसे रखा, कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया माइनस साइन एम माइनस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अब क्या किया स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम प्रोसेस, इस पूरी टर्म को मैं पहले वन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सेम रहेगी साइन एम माइनस टू एक्स कॉस एन एक्स और बाहर आएगा इंटीग्रेशन, बाहर से ये टर्म आ गई। फिर इसी पूरी टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मगर बीच में क्या है माइनस और ये प्लस, तो ये बन गया माइनस, बाहर से ये टर्म आई तो ये बन गया एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। मगर जब मैं इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्केयर आया इधर, टू और स्केयर कट गया, तो इंटीग्रेशन किसकी बची, साइन एम एक्स की और साथ में क्या है कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करूंगा तो आई एम एन की वैल्यू आपके पास मिल गई है, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया आई एम एन, ये तो सेम ही रहेगा साइन एम माइनस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक। अब ये एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, अब इसमें क्या हुआ, ये जो साइन एम माइनस टू है और ये कॉस एन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एम माइनस टू और कॉस एन स्टैंडर्ड फॉर्म, और माइनस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन है और साथ में कौन है साइन एम कॉस एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई एम एन, ठीक है। अब वो वाला आई एम एन इस साइड आया तो दोनों से आई एम एन मैंने क्या ले लिया कॉमन, इधर वन बचा और इधर बचा प्लस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, और रिमेनिंग कितना आ गया माइनस साइन एम माइनस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन आई एम माइनस टू इंटू एन। जैसे मैंने दोनों से कॉमन लिया तो बेसिकली ये बन गया आई एम एन, जब आपने एलसीएम लिया तो एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये कितना आ गया माइनस साइन एम माइनस वन एक्स
कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन आई एम माइनस टू कॉमा एन। फिर ये वन और वन उड़ गया तो बेसिकली कितना आ गया आई एम एन, इधर आ गया एन प्लस एम को लिख दिया एम प्लस एन अपॉन एन प्लस वन, और इधर क्या लिख दिया माइनस साइन एम माइनस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन, और इधर कितना आ गया एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, और इधर क्या आएगा आई एम माइनस टू कॉमा एन। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन सबके कैंसिल हो गए, तो बेसिकली क्या बच गया आपके पास आई एम एन, इधर क्या बच गया एम प्लस एन, और इधर क्या बच गया माइनस साइन एक्स एम माइनस वन कॉस एक्स एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन आई एम माइनस टू कॉमन एन। अब ये जो एम प्लस एन है इसको मैंने सबसे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया माइनस साइन एम माइनस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स, इधर नीचे आ गया एम प्लस एन, वैसे आगे इधर भी आ जाएगा एम माइनस वन अपॉन एम प्लस एन, और इधर क्या बन गया आई एम माइनस टू कॉमा एन। तो ये जो आपका रिजल्ट है यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, और जैसे आपने ये क्वेश्चन प्रूफ किया है वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा तो आप वो भी खुद प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपके जो रिडक्शन फॉर्मूले वाले टॉपिक थे आपके सिलेबस में, साइन एन एक्स कॉस एन एक्स टैन एन एक्स कॉट एन एक्स कोसेक एन एक्स सेक एन एक्स लॉग एन एक्स साइन एम कॉस एन एक्स, ये सब के सब हमने क्या कर दिए कंप्लीट कर दिए। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में हैं जो आपको पूछ सकता है। वो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन करो साइन थ्री एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन थ्री एक्स कॉस, कुछ नहीं करना है ये फॉर्मूला लिख दो या इससे पहले वाला फॉर्मूला लिख दो, एम को डालो थ्री एन को डालो टू और करके देखो क्या आता है। स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बस आपको वैल्यू सी पुट करनी है। अगर आपको बुक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पीछे प्लीज मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। तो ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी मेरे को लगता है जो इंपॉर्टेंट है जो आपको आ सकते हैं वो मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, तब भी अगर आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है जो आपको समझ नहीं आ रहा है और जो एक्सरसाइज में है तो आप प्लीज मेरे को पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।